हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ब्लाउज़ के लिए कैसे कपड़ा निकाला जाता है ये मैं आपको बताऊंगी, और कैसे नापते हैं, जैसे समझ में नहीं आता ब्लाउज़ के लिए कितना कपड़ा लेना है वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगी। जैसे ये हमारी साड़ी है, साड़ी में से हमारा जो ब्लाउज़ जो है अभी ये अलग था, ये कलर जो है वो अलग था, तो इसीलिए हमने जितना था उतना हमने कटिंग की। इसकी जो ब्लाउज़ में जो कपड़ा था, ये देखिए पल्लू में जो कपड़ा आया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी कटिंग की, जितना आया उतना हमने इसमें कट किया है। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे सेम कलर की साड़ी रहती है उसमें सेम कलर का ब्लाउज़ रहता है, फिर कटिंग कैसे करूँ, कितना कपड़ा लूँ, तो ये समझ में नहीं आता है। तो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो आप पूरा देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया है, ये अलग कलर है इसीलिए हमने ये ब्लाउज जो है वो कट किया है। अभी इसको आपको क्या करना है, साड़ी को हम अलग रखते हैं और ब्लाउज पीस जो है वो लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ होती है, यहाँ पे जो पन्ना होता है साड़ी का वो ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, साड़ी में जो ब्लाउज़ है वो बैठ जाता है, यहाँ पे बैठता है। लेकिन जैसे जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें आर्म होल में या बैक साइड में ये कम नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये देखिए पहले आपको सिर्फ बैक साइड चेक नहीं करनी है, आपको सिर्फ स्लीव चेक करनी है। तो पहले आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से इसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद थोड़ा ये ज़्यादा होगा तो ये हम निकाल देंगे, जैसे एक्स्ट्रा होगा तो इसे हमें कट करना है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको बॉटम चेक करना है, स्लीव्स का जो बॉटम आता है आपका वो चेक करना है। जैसे 5-5.5 इंच जो भी आपका बॉटम होगा वो आपको चेक करना है। और यहाँ पे आता है हमारा 7 इंच आता है, इसमें हमारा 7 इंच आता है, 5.5 इंच बॉटम है, 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जब भी आप ब्लाउज़ एक कलर का ब्लाउज़ होगा तो आपको ये जो है यहाँ पे आपको फोल्ड करना है, उसके बाद डबल फोल्ड करना है, यहाँ पे आपका इसका बॉटम चेक करना है, बॉटम चेक करने के बाद ऊपर के साइड में भी आपको ये चेक करना है, यहाँ पे हमारा आर्म होल जो है वो बैठता है कि नहीं। तो यहाँ पे आर्म होल जो है, जैसे यहाँ पे सिलने में कितना लगता है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, और आर्म होल जो है वो कितना आता है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप ये जो है, ये साइड जो है ये हमारी बैक साइड की है, इसमें तो बैक साइड जो है वो बैठ जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमारे बैक साइड जो कटिंग हम करते हैं इसमें हमारी, ये देखिए 13.5 इंच आता है, 13.5 इंच आता है, तो यहाँ पे हमारा 8 इंच या 9 इंच या 10 इंच भी होगा, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 11.5 इंच, तो भी हमारी बैक साइड जो है वो इसमें आ जाती है। सिर्फ हमें क्या चेक करना है, जो स्लीव्स होती है उसे हमें फोल्ड में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसमें आपको चेक करना है आपका इसमें आर्म होल बैठता है कि नहीं, वो भी चेक करना है। उसके बाद ही आपको ब्लाउज जो है वो एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, इससे क्या हो जाएगा आपका ब्लाउज जो है वो कम नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे जो जॉइंट आते हैं स्लीव्स में बहुत सारे जॉइंट आते हैं तो वो अच्छे नहीं दिखते, तो फिर हम यहाँ पे जॉइंट नहीं देंगे। तो थोड़ा बहुत आता है तो नीचे के साइड में चला जाता है, हाथ के नीचे के साइड में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जॉइंट नहीं चाहिए आपको। तो इस तरह से आप फोल्ड करके आप बॉटम जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका आर्म होल जो है वो चेक कर सकते हैं, और जितना आपका आर्म होल और स्लीव्स में बैठता है उतनी आप कपड़े की कटिंग जो है वो करनी है। तो इस तरीके से करोगे तो आपका ब्लाउज जो है वो बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या हो जाता है, नाप छोटा रहता है और हमारा कपड़ा जो है वो ज़्यादा कट हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, जैसे आप चेक करोगे तो आपका ब्लाउज़ कम यानी कि साड़ी भी ज़्यादा कटिंग नहीं होगी। जैसे अलग कलर का होगा तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि साड़ी कम पड़ती है, कभी कभी साड़ी कम रहती है उसमें से हमें ब्लाउज़ पीस निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से करोगे तो आपका ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है,
और यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है, जैसे ये बॉटम रहता है, अभी ये छोटा बॉटम है, ये बैक साइड में आएगा और ये स्लीव्ज़ के लिए आएगा, ये बड़ा वाला है ये स्लीव्ज़ में आएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद होगा आप दोनों भी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन स्लीव्ज़ के लिए ये बड़ा बॉर्डर जो है वो अच्छी लगेगी। तो इस ये ट्रिक्स यूज़ करके आप ब्लाउज जो है साड़ी में से जो ब्लाउज़ हम निकालते हैं वो निकाल कर आप अच्छे से आपको जितना चाहिए उतना ही कपड़ा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।